हेलो एवरीवन, माय नेम इज उषा भारती। मेरा नाम उषा भारती है और मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ। उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें मेंशन किए हुए हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इसके बारे में जानते हैं कुछ डिटेल्स। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट एक पिक्चर से समझते हैं अबाउट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई बच्चा अगर जानना चाहे तो वो कैसे समझेगा? तो इसमें एक एक बैटरी लेके उस बल्ब को जला रहे हैं। तो बैटरी, अब दिमाग ये लगाना है कि ये बल्ब जो है वो कैसे जलता है। और इसके बच्चे को इस पिक्चर के थ्रू समझ में आ जाए, इसलिए इस पिक्चर में दिखाया गया है एक बैटरी लिए है पॉजिटिव टर्मिनल, जो उसका बल्ब का एक बैटरी से जुड़ा हुआ एक वायर है जो बल्ब की ओर बल्ब में लपेटा गया है, और दूसरे साइड एक नेगेटिव वायर है जो दूसरे साइड से उस वायर को लपेटा गया है। तो इसमें जब दोनों तरफ से वायर जुड़ जाता है तो ये सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब हम लोग का चलने लगता है। तो ये करंट कैसे फॉलो करता है? तो ये वायर के थ्रू ही डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो फॉलो करता है। और इसके अपोजिट में इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको अपोजिट फॉलो करेगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग करंट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे वो बल्ब जलने लगता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टाइम के अकॉर्डिंग जो हम लोग के पास चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टाइम के अकॉर्डिंग ये पर यूनिट चेंज करता है, द रेट ऑफ चेंज, तो ये चेंज करता है। तो इट्स कॉल्ड, सिंपल वे बोल सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका जो वैल्यू है 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स जब पास करता है उस बैटरी के थ्रू सर्किट में, तो पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर करेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। उस पॉइंट में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करेंट पास हो रहा है, तो उसको इस तरह से वर्क करता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब पास करता है तो एक वैल्यू रिकॉग्नाइज किया गया है जो 1 सेकेंड में हम लोग के इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। और अब देखते हैं एम्पियर इक्वल टू कूलम बाय सेकेंड होता है, मतलब कूलम एक साइंटिस्ट है जो इसको रिसर्च किया है, उसकी अपने नाम से ही इसको रख दिया और इसका एक फॉर्मूला बनाया, 1 एम्पियर करेंट इक्वल टू कूलम बाय सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट पास करेगा और 6.28 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज इज द मेजर ऑफ स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू लोकेशंस। अब एक वोल्टेज हम लोग कैसे मेजर करते हैं? करंट के साथ तो वोल्टेज भी होता है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग दो पॉइंट डिसाइड करते हैं जिसमें बैटरी में लगा हुआ रहता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यही वो दो पॉइंट है, टू लोकेशंस बोल सकते हैं। तो वोल्टेज इज द मेजर ऑफ स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू लोकेशंस। इन लेमेंस टर्म्स के अकॉर्डिंग इट इज मेजर ऑफ पुश अवेलेबल टू मोटिवेट इलेक्ट्रॉन्स। वोल्टेज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
इज ऑलवेज रिलेटिव बिटवीन टू लोकेशंस, जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट है उसको टू लोकेशंस बोल रहा है, और पॉइंट समटाइम्स इट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप, इसी को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ चार्ज फॉलो पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज को फॉलो करता जाने देता है एक सेकेंड में, तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बट पॉजिटिव चार्ज फॉलो इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी में जो दो टर्मिनल लगे रहते हैं इसी के बारे इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाउ एवर द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो बैटरी है उसी को वोल्टेज सोर्स बोल रहा है, और सेम वैसे ही इसमें डायरेक्शन ऑफ फॉलो ऑफ करेंट को शो कर रहा है, और बीच में जो पिक्चर में जो दिखा रहा है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है वो सब, तो ये एक कंडक्टर की तरह ही काम करता है जिसमें करंट को पास होने देता है। तो इस पिक्चर से हम लोग और क्लियरिटी वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज सोर्स ये सब के बारे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, यानी बैटरी जो कनेक्टेड है सर्किट पे, द वोल्टेज विल काउज यूनिफॉर्म फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक यूनिफॉर्म फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है थ्रू दैट सर्किट कॉल्ड अ करेंट, तो ये एक तो उसी को हम लोग करेंट कहते हैं। इन अ सिंगल वन लूप सर्किट अमाउंट ऑफ करेंट एट एनी पॉइंट इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ करेंट एट अदर पॉइंट। एक वन लूप सर्किट है जिसमें जैसे बल्ब को जलाए थे वैसे वो सर्किट वन लूप का है, तो इसमें अमाउंट ऑफ जो करेंट है वो एक पॉइंट में जो सेम होगा वही दूसरे पॉइंट में भी सेम ही करेंट हमें मिलेगा, तो इसी को हम लोग करेंट बोलते हैं, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का ही दूसरा नाम डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, ये यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रॉन्स पास करता है, तो उसी को हम लोग कंडक्टर भी बोल सकते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इट इज एन अनमूविंग इफ ऑन एन इंसुलेटर एक्यूमुलेटेड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट। इट इज टिपिकली फॉर्म बाय चार्ज सेपरेशन बाय कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स। अब ये स्टैटिक का मतलब ही होता है इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है। एक्यूमुलेटेड चार्ज ऑफ फॉर्म बाय इधर एक्सेस और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन आमीटर एंड बाय गैल्वेनोमीटर ऑल्सो। एक हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक करंट की मेजर करते हैं तो आमीटर और गैल्वेनोमीटर होता है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड एम्पियर सेकेंड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ बकेट ऑफ फुल वाटर द बबलिंग इज ऑब्जर्व, मीन्स द करेंट इज डीसी। हम लोग जब नहाते समय ठंडे के दिनों में पानी को वाटर वाला हीटर जो होता है जिसमें वाटर में डाल के हीट करते हैं, तो कुछ देर में उसमें कुछ बबल्स आते हैं, तो वो बबल जो होता है वो डीसी करंट होता है जिससे हमें करंट लगने का कम खतरा रहता है। इसलिए वो आप लोग ध्यान से कभी देखिएगा कि वाटर हीटर पे जो छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं वो डीसी करंट को शो करता है दिखाता है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज डिपेंडिंग ऑन करंट वोल्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट। द इलेक्ट्रिक शॉक जब हमें लगता है वो डिपेंड करता है करंट पे वोल्टेज पे और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट पे। नेक्स्ट, ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करेंट फॉलोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। पोटेंशियल
provide temperature and other physical condition of the conductor remains the same. Ohm is the unit of resistance. ओम्स लो में है V इक्वल टू आई इन टू आर और उसी को I इक्वल टू V बाई आर. इसके थ्री टाइप्स हैं जो इसको तोड़ मोड़ के बनाया गया है, तो इसी को ओम्स लो कहते हैं. आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी. सो प्लीज वॉच एंड लाइक माई चैनल. हैप्पी रहें, खुश रहें, पॉजिटिव थाट के साथ रहें. थैंक यू सो मच एवरी वन.